बहुत बहुत आभार उपसभापति महोदय, आपने सदन के समक्ष ये संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक पर विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। उपसभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 की तीन परिविष्टियों को संशोधित किया जा रहा है। इसमें 16, 24 और 32, जिसमें जो खरवार जो जनजाति अभी झारखंड के अंदर है, उसी के उपजाति के रूप में वहाँ भोक्ता, देश्वरी, तमड़िया, गौंझू इत्यादि जो जातियाँ हैं, और उसी के तरह से जो है पुरान है, और ये जो राउत ऐसे जो जाति है, इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का यह विधेयक इस सदन के अंदर आया है। निश्चित रूप से संविधान का निर्माण के समय में जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो शामिल किए गए लिस्टों में कुछ मात्रात्मक त्रुटि या भूल के कारण ये इन जनजाति सूची से छूट गए थे। इसको हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए ये जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के ही ये लोग सब लोग हैं, वर्षों से जो है इनके लोग आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, इन चीज़ों पर गंभीरता से विचार करते हुए हमारी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। ये खरवार जनजाति की में जो गोत्र है, चिन्ह है, आदिम जो परंपराएं हैं, इनकी जो अपनी विशिष्ट पहचान है, इन सारे चीज़ें जो है खरवार जनजाति से ही मिलता जुलता है, जिसके कारण इनको उसी समय जनजाति होना चाहिए, लेकिन ये किन्हीं कारणों से त्रुटियों के कारण छूट गए थे और आज जो है इसको जोड़ने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो झारखंड के अंदर अभी 26% जनजातियाँ को जो है संवैधानिक प्रावधान का जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ में ये जनजाति भी शामिल होंगे। और ये जंगल पहाड़ के बीच में रहते हैं, वहाँ पर कई संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण आज भी वो ठीक ढंग से शिक्षित नहीं हो पाए हैं, विकास के धारा में जुड़ नहीं पाए हैं। ऐसे अनुसूचित जनजाति में जुड़ जाने के कारण उनके द्वारा जो मुहैया किए गए जो प्रावधान है, सुविधा है, उसको प्राप्त करके वो आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे जो है उस समय के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय 2002 में ही इसको जो है वहाँ के जो TRI के माध्यम से अनुशंसा करके लाया गया था, उसको आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उस समय किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन आज हमारी सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से विचार करते हुए इसको लाया है। इसी प्रकार से और भी कई मात्रात्मक त्रुटियां कई प्रदेशों में है। ये खरवार जनजाति जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के इधर उत्तर प्रदेश, ऐसे असम तक में ये हैं, जो कि उपजाति के रूप में ये लोग हैं, इसलिए ये शामिल किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा इन लोगों के लिए हो रहा है। जैसे अभी हमारे माननीय संजय जी ने कहा कि उनके जो है अहित के लिए हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एकाध दो राजनीति में रहने वाले लोगों को छोड़ करके उनके पूरे समुदाय के लोग जो है ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होने पर बहुत खुशियाँ मना रहे हैं और सरकार को धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये जो पहले से ही जिस प्रकार से जो है गलत मानसिकता के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जनजातियों को केवल सिखाने का काम करते थे, उनकी बातों को सुनने का काम कभी भी नहीं करते थे, जिसके कारण इस प्रकार से आज भी मानसिकता बनी हुई है। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी कई ऐसे जो जनजाति है, जो कई त्रुटियाँ हैं, उसको भी जैसे भूहर मुंडा है, लोहार से लोहरा से लोहार है, इसी प्रकार से जो बड़ाइक है, राजगोंड है, ऐसी कई जो है मात्रात्मक त्रुटि है, ये भी आने वाले दिनों में मैं अपने आदरणीय माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से निवेदन करता हूँ कि आप इन लोगों को धीरे धीरे ऐसे जो त्रुटि हुई है, भूल हुई है, इनको सबको जोड़ते हुए उनके जो है अपने जो अधिकार है उसको दिलाने में आप
माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पहल कर रहे हैं उसमें यह आगे बढ़ेगा और इन लोगों का अधिकार प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।